सीधे रुख करते हैं, समय अहम बैठक चल रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के घर पर इस समय बड़ी बैठक और विभिन्न समुदाय के लोग इस समय जो धर्मगुरु हैं उनके साथ ये बैठक अजीत डोभाल की। बैठक में बाबा रामदेव भी हैं, शिया धर्मगुरु मौला कल्बे जव्वाद भी हैं। अयोध्या फैसले के बाद ये बड़ी बैठक NSA अजीत डोभाल के घर पर। ना करना हमारी ओर से, मैं एक परिचय करवाना भूल गया। अयोध्या से राम छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी के, छोटी छावनी के महंत जी महाराज विशेष कष्ट लेके कल रात को निकल के आज सुबह में सीधे आ रहे हैं। और एक परिचय आप साथ भूल गए, हमारे बगल में बैठे हुए उनसे कट गए थे। तो ये सैयद नूरी साहब जो हैं, इनकी बड़ी अहमियत है इसलिए कि ये भूमि है, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र जो है वो पूरा बरेली के चाहने वाले, मानने वाले और अनुसरण करने वाले मुसलमान पाए जाते हैं है, और ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अब जिस खूबी से करते हैं उस। धन्यवाद परमात्मा जी, और शुक्रिया वासी साहब, आपने ये जरा सा एक बार ये करूँ कि आप हम लोग इसको डिस्कशन को ओपन करते हैं, लेकिन अपने वतन, अपने मुआशरे, आपके तो जो भक्त लोग हैं, किस प्रकार से हम ये करें कि सिद्धि की भावना, एक शांति की भावना पैदा हो सके और उसको बढ़ावा मिल सके, और इसके लिए हमारा आगे का एजेंडा क्या होना चाहिए। बाकी आप लोगों की अपनी धार्मिक बात करेंगे तो जो भी करना है तो वो शुरुआत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अदा कर। NSA अजीत डोभाल के घर में इस समय अहम बैठक, तमाम जो धर्मगुरु हैं इस समय मौजूद हैं। अयोध्या मसले पर कल फैसला आया और उसके बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि सौहार्द बना रहे, शांति अमन कायम रहे, भाईचारा बना रहे, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि चूंकि हर संप्रदाय, हर समुदाय अपने धर्मगुरु को फॉलो करता है, उनके आदर्शों पर चलता है, उनके बताए कहे का अनुसरण करता है, ऐसे में जिम्मेदारी धर्मगुरुओं की है कि अयोध्या मामले पर जो फैसला है उसे शिरोधार्य करें, उसका सम्मान करें, उसका अनुपालन करें। यह अहम बैठक NSA अजीत डोभाल के साथ धर्मगुरुओं की। 500 साल पुराना विवाद कल खत्म हुआ और उम्मीद इसी बात की कि सबसे पुराने विवाद का पटाक्षेप हो गया। ऐसे में सभी को अब साथ चलने की, आगे बढ़ने की जरूरत है। निर्णय का सम्मान करें, उनका अनुपालन करें, और इसे किसी हार या किसी की जीत के रूप में ना लिया जाए। एक इतिहास जिसका एक मोड़ आया, उस मोड़ से अब आगे बढ़ते हुए सबको राष्ट्र निर्माण में लगना होगा, और यह जिम्मेदारी धर्मगुरुओं की भी है। NSA अजीत डोभाल के यहां बैठक धर्मगुरुओं की, बाबा रामदेव मौजूद हैं। प्रतिष्ठित धर्मगुरु जिनको फॉलो करता है उनका समुदाय, अनुसरण करता है, उनकी कही बातों को माना जाता है। ललित नारायण कानपाल हमारे सहयोगी। ललित, बहुत ही अहम बैठक इस मायने में है क्योंकि एक बड़ा फैसला जो आया है, और जाहिर सी बात है सब यही सोच रहे हैं, ये मान के चलना भी चाहिए कि ना किसी की हार है ना किसी की जीत है, एक निर्णय है ये, और इस निर्णय का अनुसरण और इसका अनुपालन जरूरी है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी धर्म गुरुओं की भी है क्योंकि उनका संप्रदाय, उनका समुदाय उनको फॉलो करता है, उनकी कही बातों को मानता है। ऐसे में सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, तालमेल ना बिगड़े, धर्मगुरुओं को आगे आना होगा, और इस लिहाज से बैठक बहुत अहम। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा पूजा, कि जिस तरह से कल फैसला आया है और उसके बाद अभी तक जो है पूरे देश में शांति का प्रतीक, शांति का एक तरह से परिचय दिया है पूरे देश ने, पर जैसे कि उम्मीद भी थी कि ऐसा ही होगा,
लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार अपने स्तर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और इसीलिए आज खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने अपने घर पर यहाँ बैठक ली थी। बैठक में कई सारे संत पहुंचे हुए थे, जिनमें विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार, बाबा रामदेव और मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर दूसरे कई सारे लोग इस बैठक में पहुंचे हुए थे। और उस बैठक में पहुंचने के बाद अपने स्तर पर उन्होंने पूरी समीक्षा रिव्यू किया है, और रिव्यू करने के बाद आज उन्होंने अपनी तरफ से भी कई सारी बातें कही हैं, जो कि एक तरह से देश में पूरा माहौल बनाए रखना जिसमें प्रायोरिटी पर शामिल है, और इसके अतिरिक्त जो है आने वाले दिनों में किस तरह के प्रिकॉशन बरतने चाहिए, इसे लेकर भी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ एक तरह से बातचीत की है। देखिए पूजा, इससे पहले हमने देखा है कि जब कभी भी देश में ताना बाना बिखरा है तो उससे उस ताने बाने के बिखरने के पीछे की वजह जो है वो हमेशा से ही जो ताना बाना बिखरता है उसमें लोगों के साथ जो संपर्क की कमी है वो एक सबसे बड़ी बात सामने निकलकर सामने आती है। तो इसीलिए ताकि लोगों के साथ बातचीत होती रहे, संपर्क बना रहे, और लगातार सरकार इसी कोशिश में जुटी हुई है, और आज इस बैठक को भी उसी कड़ी में जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल, और युवाओं से भी यही आह्वान है ललित कि जो बीत गई, जो बात गई वो बीत गई, और अब आगे बढ़ने का समय है। 21वीं सदी में भारत को सुपर पावर बनाना है, और ये लक्ष्य जो है युवाओं के बिना असंभव है। जब तक तालमेल नहीं रहेगा, मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मुमकिन नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, और हम सुन रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष भी जो है अब लगातार इस बात पर विचार कर रहा है कि आखिर इस मामले पर रिव्यू पिटीशन डालनी है या नहीं डालनी है, क्योंकि अगर ये मामला सिर्फ यही खत्म हो जाएगा तो एक तरह से कहा जाएगा कि ये विवाद ही खत्म हो गया, लेकिन अगर एक बार फिर से इसमें इस तरह की रिव्यू पिटीशन पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी स्थिति जो है, हालांकि उसमें उसके बाद क्या होगा ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन कुल मिलाकर अगर ये मामला यही खत्म हो जाता है और सभी लोग सभी पक्ष इसको स्वीकार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। ये फैसला इसलिए भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकमत से आया हुआ फैसला है, इसमें कहीं पर भी कोई ऐसी राय नहीं है कि कोई अगर ये कह रहा हो कि हम इस मामले में इस राय से जुड़ा है, तो यानी कि यूनैनिमस तरीके से जो फैसला आया है उसके बाद जो रिट पिटीशन भी अगर दाखिल नहीं होती है तो निश्चित तौर पर ये देश की जीत है और देश के ताने बाने की जीत। बिल्कुल, और यूं ही नहीं भारत को गंगा जमनी तहजीब वाला राष्ट्र और देश कहा जाता, चूंकि सब में सौहार्द है, भाईचारा है, और अमन अमान बरकरार रखते हुए तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस फैसले के बाद। शुक्रिया आपका ललित नारायण कांडपाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए।